बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां पर बागेश्वर दरबार के धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टर पर गालिक पोत दी गई है। तो पोस्टर पर चोर 420 लिखा गया है। आज पटना में धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा का आखिरी दिन है और उनके बयान के बाद से ही हिंदू राष्ट्र वाले ये इस वक्त चौतरफा विरोध बिहार में हो रहा है। नीतीश कुमार ने भी सवाल उठाए हैं और फिलहाल अभी ये बड़ी खबर है कि पोस्टर पर चोर लिखा है, 420 लिखा है और ये तस्वीर भी आप देखिए। तो धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा का आज अंतिम दिन है, आखिरी दिन है और हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं किस तरीके से शख्स ने यहाँ पर कालिक पोती है पोस्टर पर, न सिर्फ कालिक पोती बल्कि पोस्टर पर चोर लिख दिया है, 420 लिख दिया है। आज पटना में धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा का चौथा और आखिरी दिन है। बागेश्वर दरबार के धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टर पर कालिक पोत दी गई है। तो पहले पोस्टर को फाड़ दिया जाता है, फिर उस पर कालिक पोती जाती है और उसके बाद चोर लिखा गया और 420 लिखा गया है। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री के जो जगह जगह पोस्टर्स लगे हैं उनके चेहरे पर कालिक पोत दी गई, चोर लिख दिया गया, पोस्टर को फाड़ा भी गया और 420 भी लिखा गया है। ये तस्वीर सामने आ रही है। आपको बताएं आज है धीरेन्द्र शास्त्री की जो हनुमंत कथा कई दिन से चल रही थी जिसमें भारी भीड़ का हुजूम लगातार देखा गया था, उसका आज अंतिम और चौथा दिन है और इस बीच पोस्टर को फाड़ा गया है, उस पर चोर लिखा गया है, 420 लिखा गया है और कालिक भी पोती गई है।